हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल सीखो ज़िंदगी से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 8 साल के बच्चे की ये जो अंगूठे वाली सॉक्स होती हैं ये लेके आई हूँ। 7 से 8 साल के बच्चे को आ जाएगी, तो ये देखिए बहुत ही प्यारी बन के आई हैं। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी सिलाई में 38 फंदे डालने हैं, मतलब 19 जोड़ डालने हैं। 19 जोड़ को हम एक एक करके गिनेंगे, तो 38 फंदे हुए हमारे। तो 38 फंदों को मैं 38 फंदों को 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं इसको 12 से नहीं बॉर्डर बनाऊँगी, क्योंकि छोटे बच्चों के जो बॉर्डर होते हैं वो टाइट होते हैं, बच्चों से पहने नहीं जाते। तो कम से कम ये 7-8 साल के बच्चे को आराम से आ सकता है ये सॉक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये मैंने फंदे अपने चैनल पे पहले डाल रखे हैं और आप उसको देख लीजिए कैसे डालने। और मैं यहाँ पे पहली सिलाई अपनी उल्टी उल्टी डालूँगी। और मैंने यहाँ पे वूल नॉर्मल ही है मेरी, ज़्यादा मोटी नहीं है, और दो कलर की वूल है मिक्स में, तो बेबी वूल ही है। तो मैं यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डालूँगी, बॉर्डर में उल्टी उल्टी सिलाइयों का बनाऊंगी। सीधा उल्टा मैं उल्टा बिनूंगी। कम से कम मैं 10 सिलाइयाँ अपनी उल्टी डालूंगी। पहली सिलाई थोड़ी मुश्किल होती है निकालनी। अगर आपके बच्चे का पैर थोड़ा भारी है तो आप इसमें 40 फंदे रख लीजिए, 2 या 4 एक्स्ट्रा फंदे रख लीजिए। ये थोड़ा मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ फंदे। तो मैं आपको 10 सिलाइयाँ ऐसे बना के दिखाती हूँ। 10 सिलाइयाँ डालने के बाद मैंने उल्टी उल्टी, ये देखिए 2, 4, 5, तो 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डालने के बाद मैंने इसमें दो कलर ऐड कर दिए हैं। 4 सिलाइयाँ मैंने इस कलर की डाली हैं और 4 इसकी, 4 इसकी। हर 5वीं सिलाई में मैंने कलर चेंज कर दिया है, दो कलर में बना रही हूँ। तो मैंने उल्टी साइड से कलर चेंज किया है, जैसे ही मेरी 4 सिलाइयाँ हो गई तो यहाँ से मैंने दूसरा कलर ऐड कर दिया है उल्टी सिलाई में। अब मैं उल्टी बनाऊंगी पूरी सफ़ेद, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, ऐसे 4 सिलाइयों के बाद फिर मैं दूसरा कलर लगा दूंगी। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप एडी से अपनी टांग पे जितनी लंबाई रखना चाहें जुराब की, उतनी बच्चे की रख सकते हैं। यहाँ फोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितनी भी रखनी है, जितना लंबा आपने बनाना है ये आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ कम से कम ये जो मेरे दो दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये तीसरा बना के और एक और इस कलर का डालूँगी। तो मैं इतनी ही लंबाई रखूँगी। तो मैं सफ़ेद की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करके दूसरा धागा लगाऊंगी और उसकी भी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दो कलर ऐड करके, अब मेरी ये चौथी सिलाई है। तो चौथी सिलाई में ये देखिए, अगर मैं यहाँ बॉर्डर से यहाँ तक नापूँ, तो बॉर्डर से नापती हूँ तो इंची टेप से कम ये 5 इंच है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बताऊँगी आपको, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, जितना आप बच्चे की टांग तक ऊपर तक बन जुराब बनाना चाहें। और अब मैंने क्या करना है, इन 38 फंदों को जिस चीज कलर का मैंने बॉर्डर बनाया है वहीं पे जो मैंने सिलाइयाँ ये डाली हैं, तो मैंने 38 फंदों के आधे आधे फंदे कर देने हैं। तो मैंने यहाँ 19 फंदे रखे हैं,
दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह और उन्नीस। उन्नीस फंदों का मैं अब यहाँ पे एडी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो मैंने एडी बनानी है वो मैं अगर इस तरफ बना रही हूँ, ये इस तरफ बिन रही हूँ, तो आपने दूसरे जो दूसरी जुराब बनानी है इसके साथ की, ये इस तरफ बनानी है आपने। अगर आपने इस तरफ एड़ी एक की बनाई है तो दूसरी इस तरफ बनानी है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो ये दोनों जुराबें एक पैर की हो जाएंगी। तो इसलिए आपने एड़ी यहाँ बनाई है तो अगली एड़ी यहाँ बनाएंगे दूसरी जुराब में। तो अब मैंने क्या करना है, इन 19 फंदों को यहीं से पलट जाना है, आगे नहीं जाना, और यहाँ से मैंने अब सीधा उल्टा ऐसे बिन लेना है। तो मैं यहाँ कम से कम इन 19 फंदों को अगर मैं तीन भागों में बांटूंगी तो ये मेरे छः छः और एक सात फंदे आएंगे, दो बार छः और सात, छः छः बारह और सात 19, तो 19 फंदे आएंगे। तो मैं तीन हिस्सों में बांटूंगी इसको जब एड़ी बनाऊंगी, तो मुझे कम से कम ये बनाना है 12 सिलाई बनानी है, ये वाली, ये वाली मैं 12 सिलाई ये बनाऊंगी 19 इसकी। पहली सिलाई निकाल दी मैंने, अब दूसरी, अगर मुझे छः फंदे इस तरफ रखे हैं और छः फंदे उस तरफ और बीच में सात फंदे हैं, तो मुझे ये छः छः फंदे उठाने हैं यहाँ से दोनों साइड से एड़ी बनाने के लिए, तो मुझे आप 12 सिलाइयाँ निकालनी है। अगर आपके पास फंदे ज़्यादा हैं, जैसे 14 हैं यहाँ पे, सॉरी वह हैं ज़्यादा हैं, जैसे 19 से ज़्यादा हैं, तो जितने आप तीन हिस्सों में बांटोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाओगे एड़ी को। तो मैं यहाँ 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी। एडी बनाने के लिए आपने तीन हिस्सों में, सॉरी दो हिस्सों में जुराब के फंदे कर लिए। और अब यहाँ इस भाग में जो मैंने एक हिस्सा रखा है, 38 फंदों में से मैंने 19 फंदे बिने हैं, ये देखिए कितने बिने हैं, जितना हमने इनका तीन तीन करना है, इनके हिस्से तीन से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितने आएंगे, छः इस तरफ आएंगे, छः उस तरफ आएंगे और सात हमारे बीच में आएंगे। तो अब मैंने कैसे अंदाज़ा लगाना है फंदे उठाने का, यहाँ से मैं सिलाई से देख लूँगी, एक एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये मेरे छः फंदे उठ रहे हैं इसमें। तो अब मैंने क्या करना है फ्रेंड्स, एक सिलाई मैं उल्टी निकाल लूँगी, अभी ये मेरी 12 सिलाई हैं हो गई हैं। आपने जिसकी भी जुराब बनानी है, तो आप एड़ी वाली जुराब बना रहे हों तो आपने यही करना है, पहले इसको उतना बनाना है जितना आपने फंदे उठाने हैं, फंदों के अकॉर्डिंग आपने अगर 9 उठाने हैं तो 18 सिलाइयाँ बना लीजिए, मैंने 6 उठाने थे तो मुझे 12 सिलाइयाँ चाहिए। तो अब मैंने एडी बनानी है, अब मैं कैसे बनाऊंगी, एक एक हिस्से में तो मैं 6 फंदे बिनूंगी यहाँ पे, पहले एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बिन लूँगी और सात आगे वाले भी बिन लूँगी, एक दो तीन चार पाँच छ और सात, सात ये फंदा हमारा सातवां है और दो चार छः फंदे ये हैं। तो मैंने सातवें फंदे को ऐसे पलट के, ऐसे पलट के इसके साथ मैंने वो फंदा एक कर देना है, ये देखिए ये मेरा सातवां फंदा था, इसके साथ मैंने एक कर दिया, तो इस तरफ पाँच रह गए। अब मैं यहाँ से अपनी सिलाई को पलट लूँगी, आगे नहीं बिनना, फिर अब मैं बीच के एक दो तीन चार पाँच छ सातवां फंदा है, अब सातवें के साथ मैं उल्टी तरफ से एक फंदा ऐसे कर लूँगी, तो यहाँ भी हमारे पाँच रह गए। तो फिर मैं पलट लूँगी ऐसे, आपने पलट पलट के इन फंदों को जो साइड के छः छः हैं इनमें से एक एक फंदा घटाते जाना है, दो तीन चार पाँच छः, अभी ये हमारा सातवां फंदा है बीच का, तो इसको पलट लेंगे सीधी तरफ, आपने पलटना है इसको तो इससे अच्छी शेप आएगी, और एक फंदा ऐसे घटा देना है, फिर पलट लेना है यहाँ से, और यहाँ से फिर आपने एक फंदा उठा लिया,
दो, तीन, चार, पाँच, छः और सातवें फंदे के साथ उल्टी सिलाई है, तो एक फंदा हमने घटा दिया। ऐसे हमारे ये फंदे घटते जाएंगे, पूरे फंदे हमने ऐसे ही घटाने हैं। चार, पाँच, छः, सीधी तरफ आपने सिर्फ सातवें फंदे को पलटना है, इसको पलट के और दो का एक कर देना है पीछे सिलाई डाल के ऐसे, ये देखिए। और फिर पलट लूँगी यहाँ से, बीच वाले फंदे आपने उतने ही रखने, साइडों वाले घटते जाएंगे एक एक, और सातवें फंदे के साथ इस तरफ घटा लेंगे। फिर पलट लेना है, चार, पाँच, छः और सातवें फंदे को पलट लेंगे सीधी साइड और दो का एक बना देंगे सिलाई डाल के। फिर पलट लूँगी यहीं से, अब मेरे साइड में इस तरफ दो रह गए हैं, ये घट जाएंगे पूरे जो मेरे साइडों में छः छः फंदे थे। अब इस फंदे को पलट रहा लूंगी, अब एक फंदा रह गया मेरा यहाँ पे, यहाँ भी पलटा लूंगी। बीच के सातवें के साथ इधर और सातवें के साथ उधर आप ऐसे फंदे घटाते जाएंगे, यहाँ पे दो का एक और यहाँ से पलटा लूँगी। छह फंदे बीनने के बाद सातवें फंदे को पलट के और इसके साथ ये एक ही फंदा रह गया था तो इसको ऐसे कर लूँगी। अब यहाँ से पलटूँगी, दूसरी साइड मेरा एक फंदा रह गया उसको भी, अब इस फंदे को मैं इसके साथ ऐसे कर लूँगी। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमने हमारी ये देखिए ये हमारी एडी तैयार हो गई है। तो हमने क्या करना है, ये पूरे फंदे हमने पल घटा दिए हैं साइड के छः छः, अभी ये सात फंदे बीनूंगी मैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, हमारे सारे फंदे घट के बीच के फंदे रह गए। अब हमने यहाँ से यहाँ तक छः फंदे उठाने हैं, देखिए, एक यहाँ से जो घटाए हैं, दो, तीन, चार, पाँच, जितने हमने घटाए हैं उतने ही उठाने हैं, छः, तो छः फंदे मैंने उठा लेने हैं। छः फंदे उठाने के बाद अब मैंने ये पूरी सिलाई यहाँ से यहाँ ना और यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो इस तरफ उठाएंगे, तो मैं इसको पूरी सिलाई को निकाल के दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए हमारी एडी सात फंदों तक मैंने इसको सीधा बिना फिर उल्टा बिना। अब उल्टी सिलाई में मैंने क्या करना है, यहाँ से भी अपने छः फंदे उठाने हैं क्योंकि हमारे 38 फंदों होने में छः फंदे कम हैं, तो हमने इसको ऐसे उठा लेना है, एक, दो, ऐसे साइड से किनारे किनारे से, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये देखिए हमारे ये 38 फंदे पूरे हो गए और ये हमारी एडी हो गई।
यहाँ हमारी एडी निकल गई। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक सीधी सिलाई डालनी और अपना ये कलर चेंज करना है वाइट। और ऐसे ही मैंने इसको अब बनाना है। अब मैंने बनाना इसको कितना है, एडी से लेके जितनी तक हमारा अंगूठा है बच्चे का उस लंबाई को नाप लेना है और उतना बनाना है। तो मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ कैसे बनाना। और एडी बनानी मैंने आपको बता दी है, बहुत ही आसान और इजी है। तो मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ, अंगूठे तक जहाँ तक हमारा अंगूठा स्टार्ट होता है वहाँ तक बनाना है इसको। तो मैंने ये देखिए अपनी जुराब एडी से लेके यहाँ तक बना ली है, जहाँ तक उस बच्चे की जिसके लिए मैं बना रही हूँ उस बच्चे की यहाँ से एडी से लेके यहाँ से यहाँ तक की लंबाई उसकी 4 इंच है। इंची टेप से नापेंगे तो उसकी 4 इंच लंबाई है। ये देखिए मेरी पूरी 4 यहाँ आ रही है। तो अब मैंने क्या करना, अब मैंने इसमें अपने अंगूठे निकालने हैं और पंजा निकालना है। तो हमने क्या करना है, अब मैं ये सिलाई बिन के यहाँ आ जाऊँगी, सीधी तरफ हूँ मैं। और ये मैं 38 फंदे हैं जो उनको मैं बीनूंगी और अपने अंगूठे के फंदे एक तरफ से छोड़ दूंगी आधे। तो ये मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ, 7 से 8 साल के का। तो हम अंगूठों के लिए यहाँ पे 6 फंदे छोड़ देंगे, 6 इधर हो जाएंगे और 6 इधर, 12 फंदों का अंगूठा बना लेंगे। बड़ों के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, जैसे 20 फंदों का 10 10। तो अब मैंने बीच के फंदे जो मेरे बचे हैं, तो मेरे 6 6 फंदे घटा के मेरे दोनों तरफ, सॉरी 6 6 फंदे रख के अंगूठों के, तो बाकी फंदे जो मेरे बचेंगे उनका मैं पंजा बना लूँगी। इसमें फ्रेंड्स बीच में पंजा बनेगा क्योंकि दोनों साइड, ये देखिए इस जुराब में दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से सिलाई होगी इसकी, यहाँ से ये देखिए यहाँ से सिलाई होगी। तो हमारा ये दोनों तरफ है, इस तरफ और इस तरफ हमने अंगूठे के रखने हैं फंदे, और ये पंजा बीच में बनेगा यहाँ पे, जहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है यहाँ पे आएगी हमारी सिलाई सिलने के लिए। तो मैं उल्टी साइड से भी इस तरफ 6 फंदे छोड़ दूंगी, जैसे इस तरफ छोड़े हैं मैंने, क्योंकि हम अंगूठा बाद में बनाएंगे। तो मैंने इस तरफ भी 6 फंदे छोड़ दिए और मैं अब पलटा लूँगी इसको ऐसे, और बीच के फंदे गिनूँगी कितने रह गए हमारे, 6 इस तरफ छोड़ दिए, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 फंदे हमारे बीच में हैं। तो अब 26 फंदों का हमने अब इनमें से 13 फंदे बिनने हैं, इनका मैं बनाऊंगी पों जो हमारी जुराब में पोंचा है हमारा, जो हमारी 4 उंगलियां हैं उनका, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 फंदों को बिन के अब मेरे यहाँ 2 4 6 8 10 12, 12 फंदे बचे हैं। तो हमारे 2 फंदों में से मैं एक को पलटा के यहाँ पे मैं एक बना दूंगी इनका सीधी साइड। ये फ्रेंड्स मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 26 फंदे हैं, अगर यहाँ 27 होते तो मैंने एक बीच में रखना था और एक इस साइड से और एक के एक साइड से, जैसे हम वी शेप में गला घटाते हैं बनाते हुए वैसे मैंने बनाना था। मैंने 2 घटाए हैं सबसे पहले, अब हर बार मैं 3 घटाऊँगी, एक इधर से एक इधर से। तो मैं ये सिलाई अपने आगे के 12 फंदे और बिन लेती हूँ सीधे सीधे, और उल्टी सिलाई मेरी उल्टी होगी, इसमें मैं उल्टी में घटाऊंगी नहीं। ये चीज़ हम बिनते जाएंगे और ये अंगूठों का बाद में बिनेंगे। तो उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी होएगी, बस आपने सीधे में घटाते हुए जाना। उल्टी सिलाई मेरी पूरी उल्टी हो गई, अब आ जाऊंगी सीधी सीधी सिलाई पे, मैं 11 फंदे बिनूंगी, ऐसे हमारे घटते हुए फंदे जाएंगे, 5 6 7 8 9 10
और एक 11, 11 फंदे बीन लिए। अब यहाँ हमने घटाए थे 2 फंदे, तो हमने हमने क्या करना है, ये हमारा 12वां फंदा है, इसको हम उतार लेंगे और इस फंदे को जिस जो हमने घटाए हैं उससे पहले हमने पीछे की तरफ से 12वां फंदे को अपनी सिलाई में ऐसे लेके इसको आगे की तरफ ऐसे चढ़ा देना है। तो अब हमने 3 फंदे यहाँ से पीछे से सिलाई डाल के ऐसे घटा देने हैं ऐसे, ये देखिए। अब फिर हम 11 फंदे बिनेंगे अपने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी। तो मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। अब हम 10 फंदे बिनेंगे ऐसे करके, हमारे घटते जाएंगे फंदे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंदे हमारे, ये देखिए बीच में यहाँ घटा है। तो 11वां फंदा है जो हमने पीछे ले जाना, इस फंदे को आगे करना, ये और ये फंदा हमारा, इस तरफ का 11वां और इस तरफ का 11वां फंदा हम घटा देंगे। तो कैसे घटाना है, इसको उतार देंगे और इसको पीछे की तरफ से 11वें फंदे को सिलाई पे चढ़ा के, और ये जो फंदा हमारा घट रहा है ये बीच का, इसको पहले ले लेंगे ऐसे। और हमने तीनों को फंदों को पीछे तरफ से सिलाई डाल के सीधा ऐसे घटाना है, ये देखिए 3 फंदे घट गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने घटाते घटाते जाना है। अब मेरे यहाँ 10 फंदे हैं, फिर 9 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 7, 6। जब हमारे यहाँ पे 6, 6 या 5, 5 फंदे रह जाएंगे तो हमने इनको आपस में मिला के घटा देना है। जैसे हम कंधे घटाते हैं, हमारे कंधे घटाते हैं, ऐसे ही हमने इनको घटाना है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, मेरे 6, 6 फंदे रह जाएंगे, मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ इसको। तो मेरे यहाँ घट के सारे फंदे पंजे के 6, 6 रह गए। ये देखिए मैंने पूरे फंदे घटा दिए ऐसे, सीधी साइड से उल्टी साइड से उल्टी सिलाई रखी, और 2, 4, 6 फंदे रह गए और 6 फंदे इस तरफ रह गए, बीच का जो एक फंदा घटाया था। अब इसको क्या करूँगी मैं, मैंने आधे फंदे उल्टी साइड से उल्टी सिलाई में ऐसे बिन लिए हैं, और इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी, दोनों को उल्टी साइड से फोल्ड करने के बाद अब हमने इसको घटाना है। घटाना आपने वैसे ही है जैसे मैंने बताया आपको, कि जैसे हम स्वेटर वगैरह में घटाते हैं। तो पहले मैं 2 फंदों को घटा लूँगी, क्योंकि हमारे इस तरफ 7 फंदे हो जाएंगे, 13 फंदे हैं ये। तो ऐसे करके आपने 2 का 1 बना देना पहले, और फिर पीछे सिलाई से एक फंदा लेना है, अगली सिलाई पे चढ़ा देना है, और ये फंदा इसके ऊपर रख के 3 फंदों को 1 कर देना है। फिर आपने पीछे सिलाई से एक फंदा लेना है, आगे सिलाई में डालना है, और ऐसे 3 फंदों का 1 कर देना है। फिर आप पीछे वाली सिलाई से एक फंदा आगे वाली में डालेंगे, और ये फंदा ऐसे हटा देंगे। ऐसे करके हमारे सारे फंदे घट जाएंगे सिलाई से ही, सिलने की ज़रूरत नहीं हमें यहाँ से। तो मेरे पीछे वाली सिलाई में एक फंदा रह गया, उसको भी ले लूँगी लास्ट में, 4 कर दूँगी इनको। और इसको घटा दूँगी 4ों को एकदम, और धागा तोड़ दूँगी थोड़ा सा। धागा तोड़ने के बाद इसके अंदर से मैं धागा निकाल के गांठ लगा दूँगी ऐसे। अब ये हमारा पोंचा, पैर का पंजा हमारा बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको खोल के दिखाऊंगी अगर आपको, तो ये देखिए बिल्कुल कितना अच्छा बन के आया है। आप यहाँ 5, 5 भी कर सकते हैं अगर छोटे बच्चे का, और बना रहे हो तो 7, 8 साल के बच्चे का, तो मैंने 6 रख दिए हैं। तो अब क्या करना, अब हमने अंगूठा बनाना है। अंगूठा बनाने के लिए हमने 12 फंदे रखे हैं, और अब मैंने क्या करना है, धागा लगा के एक फंदा उठाना और एक फंदा बीनना है ऐसे धागे में। पहले ही गांठ लगा लूँगी मैं, और एक फंदा हमने बुनना है और एक उतारना है। तो हमारा ये
अंगूठा गोल बन के आएगा बिल्कुल। ये उतार देना है और ये बिन देना है। पीछे वाली सिलाई से उतार लेंगे और आगे वाले से बिन लेंगे। ऐसे है हमारे 12 फंदे। एक बुनना है और एक उतारना है, एक बुनना है एक उतारना है, ऐसे करना हमने। और ऐसे करके लास्ट का फंदा मैं बिन दूंगी। तो अब इस तरफ मैंने बिना है तो उस तरफ मैं उतारूंगी, इस तरफ उतार लूंगी और अगले वाला बिन लूंगी। जो उतारना है वो बिनना है, ऐसे करना आपने। अब इसको उतार लूंगी और इसको बिनूंगी, इसको उतारूंगी, इसको बिनूंगी। पीछे वाले उतारूंगी क्योंकि मैंने वहाँ बिने थे, और इसको आगे वाले को बिनूंगी। ऐसे करके हमने अपना अंगूठा पूरा 13 सिलाइयाँ डाल के हमने, ये लास्ट में हमारा बुनना नहीं है तो इस तरफ हम इसको बिनेंगे। तो 13 सिलाइयों का मेरा ये पंजा बना है, तो 13 सिलाई का ही मैं अंगूठा बनाऊंगी। अगर आप लंबा अंगूठा है किसी का तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना सकते हो, वरना तो बराबर ही होता है। तो ऐसे करके मैं 13 सिलाइयाँ निकाल दूंगी, और ऐसे करके हमारा, मैं दिखा देती हूँ, ऐसे करके हमारा अंगूठा बन के तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने बाद में क्या किया है ये सिलाई में, ये देखिए, एक मिनट बता देती हूँ आपको। एक उतारना एक बुनना, एक उतारना और एक बुनना। जिस तरफ से बुना हुआ है उस तरफ से उतारेंगे, ऐसे करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने क्या करना, लास्ट में जब 13 सिलाइयाँ हो जाएंगी तो मैं इसमें से सिलाई निकाल के इन दोनों को अलग कर दूंगी ऐसे। तो ये हमारा गोल बन के आ जाएगा। फिर मैं सुई से, जिससे मैं बिन रही हूँ धागे से, सुई से थोड़ा धागा तोड़ के उसके अंदर सुई डाल के सारे फंदों को एक एक करके बिन लूँगी। तो ये बिल्कुल गोलाई में आएगा ऐसे, ये देखिए बिल्कुल गोलाई में आएगा। और ऐसे करके हमारी सॉक्स पूरी हो जाएगी। तो बनाइए, बताइए कैसी बनी है। और तो मैं आपको एक मिनट को अंगूठा बना के दिखा देती हूँ पहले। तो ये देखिए मेरा कम से कम 2, 4, 6, 8 सिलाइयाँ हो गई। अब 9वीं सिलाई, सॉरी 8 सिलाइयाँ इस तरफ से हो गई। ऐसे करके हमारी यहाँ पे 12 12 सिलाइयाँ आएंगी, मतलब दोनों तरफ से 24 सिलाइयाँ आएंगी। एक उठाना है और एक बिनना है, एक उठाना है और एक बुन देना है। पिछले वाली साइड से हम उठाएंगे और जो हमारी साइड है उसको बिनेंगे। पिछले वाली साइड से उठाएंगे और आगे से बिनेंगे, एक उतारेंगे एक बिनेंगे। ऐसे यहाँ बिन दिया तो उस तरफ पलट के हमने इसको उतार लेना है और आगे वाले को बिन देना है, फिर उतार लेना है, फिर बिन देना है। ऐसे करके हमारा ये बिल्कुल गोल में आएगा। फ्रेंड्स मैंने अपनी एक वीडियो में आपको लेडी सॉक्स बताई है, उसमें भी आपको ये बताना बताया है कैसे आपने अंगूठा बनाना और पंजा बनाना है। ये छोटे बच्चे का है तो फंदे अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 12 का अंगूठा बनाया है। अगर आपके बच्चे का पैर भारी है तो 14 16 रख लीजिए। तो दोनों तरफ से हमारी 12 12 सिलाइयाँ हो जाएंगी जब, तो हमने इसको बंद कर देना है। बीच में आप देख लीजिए उंगली डाल के, कहीं जुड़ ना रहा हो, यहाँ से उंगली डाल के देख लें। तो ऐसे करके हमारा ये लगभग पूरा हो गया। मैं एक सिलाई और डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा 12 सिलाई का अंगूठा पूरा हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस सिलाई को निकाल देना है ऐसे, और इन फंदों को ऐसे खोल देना है। ऐसे खोल दिया और थोड़ा सा धागा तोड़ के उसमें सुई डाल दूंगी ये, और इन फंदों में से जो हमें एक एक फंदा दिखाई दे रहा है इनमें से मैं पूरे फंदों में राउंड में ऐसे सिलाई डाल दूंगी, सॉरी ये धागा डाल दूंगी।
एक एक फंदा उठा लीजिए क्योंकि फिर फंदा छूट ना जाए हमारा। ये देखिए बिल्कुल राउंड में उठाएं और ऐसे धागा खींच लें। ये देखिए गोल आया बिल्कुल बन के। ये देखिए तो यहाँ पे इसको एक दो बार फिर निकाल लीजिए और गांठ लगा लीजिए। ऐसे करके हमारा अंगूठा बन के तैयार हो गया। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से सी लेंगे इसको और यहाँ से यहाँ तक सी लेंगे, यहाँ तक। तो ऐसे हमारी जुराब पूरी हो जाएगी, ऐसे बन के आएगी। ये देखिए तो बनाइए फ्रेंड्स और बताइए मुझे कैसी बनी है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू।